हम मंगलसूत्र की रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे मंगलसूत्र की, जब मंगलसूत्र पर आने वाला है कोई ना होगा तो रक्षा क्यों करो जाओगे इसकी? दहेज प्रथा को कम करने का तरीका, ये दहेज प्रथा को कम करने का तरीका है। रोजगार नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो दहेज नहीं मिलेगा। सर मैं आर्मी में जो बच्चे जाते हैं जीडी क्लर्क में, मैं उनको कोचिंग देती हूँ, तो हर बार उनका रेशो बहुत ज़्यादा होता था जब तक ये अग्निवीर नहीं थी। अब आप देखोगे इस साल जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है वो नाम मात्र के हैं, यानी कि पोस्टें भी खाली रहेंगी। हाँ, हमने खुद देखा है, जो हम इतने बच्चों को भेजते थे, हमारी हम ये कहें कि 7,500-8,000 बच्चे लगे हैं हमसे, लेकिन अब की बार हम ये कहें कि बच्चे कहते करेंगे क्या जी, 4 साल बाद क्या करेंगे, 4 साल बाद कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। करने के बाद भी ना घर वाले खुश नहीं है अग्निवीर में, क्या होगा मेरे बच्चे का अगर वहाँ मर गया तो, यहाँ शहीद का दर्जा भी नहीं मिलने वाला। तो क्या सही में ये बात सही है, आप मजाक कर रहे हो शादी में? सच्चाई है सर, बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, कोई हरियाणा में शादी बहुत बड़ा मुद्दा है। एक लड़के की शादी हुई है मेरे गाँव में, वो बॉक्सिंग बेस पे लगा है सर आर्मी में, तो उसके जो शादी वाले रिश्ते वाले आए थे उन्होंने उसके वो कंप्लीट डाटा देखा है उसका, ये पक्के है, पक्का है या ऐसी अग्निवीर लगा हुआ है। और अब मैं बता देता हूँ सर आपको करंट का अग्निवीर का डाटा, मेरे गांव में हर सुबह 4 बजे 15 साल के बच्चे आते थे ग्राउंड में रेस लगाने के लिए, और अब वही बच्चे अग्निवीर होने के बाद नशे की लत में लगे हुए हैं सर, आप देख सकते हो ये, क्योंकि उनको पता लग गया अब आगे जाने का फायदा नहीं, वहाँ देश सेवा भी हो जाती थी और रोजगार मिल जाता था। और रही बात हमारी सर, हम बता आप बोल रहे थे कि आपको 5 साल से कोई काम क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूँ सर, 2019 में इन्होंने वैकेंसी निकाली थी ग्राम सेवक की, और 2021 में पेपर लेते हैं और उसको बोलते हैं ये आउट हो गया, पेपर लीक हो गया था इसकी वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं, फिर ये बोलते हैं हम दोबारा 1 महीने बाद आपका एग्जाम लेंगे, तो हम बताओ सर पढ़े या ना पढ़े।